फिरोजाबाद में पानी की समस्या को लेकर सड़क पर उतरी जनता, फतेहाबाद रोड को किया जाम। बताया कि 3 दिनों से नहीं मिल रहा पानी। पानी का दंश झेल रहे मोहल्ला 62 स्थित प्रजापति कॉलोनी की जनता ने सड़क पर बैठकर जाम लगा दिया और अधिकारियों के मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। मौके पर पहुंची पुलिस ने गुस्से से आक्रोशित लोगों को समझाया और आधा घंटे के बाद जाम खुला। यहाँ के समस्त क्षेत्र के लोगों ने आज जाम लगाया है। जाम लगाने का उद्देश्य कि मैंने नगर निगम मेयर जी को काफी बार मैंने फोन किया, उन्होंने मेरा फोन रिसीव नहीं किया और यहाँ घरों में पानी भरा हुआ है। हर क्षेत्र में वार्ड नंबर 18 की बात कर रहा हूँ मैं, और किसी घर में पानी नहीं आ रहा है। पता नहीं मेयर ने क्या किस्म खा ली है कि हम वार्ड नंबर 18 ना तो विकास करेंगे, ना पानी देंगे और ना हम निकासी करवाएंगे। ये जनता के साथ जो सौदागर कर रहे हैं ये अच्छा नहीं रहेगा। अगर यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं होगी, यहाँ की जनता उठेगी नहीं, चाहे यहाँ पे काफी संख्या में जाम लग जाए, चाहे जाम खुल जाए। यहाँ अब जनता रुकने वाली नहीं है, क्योंकि जैसे चुनाव आता है आप सेल्फी करने के लिए बहुत चनार गेट पे पहुँच गई, लेकिन आपको इतना समय नहीं है कि वार्ड नंबर 18 में आके। अच्छा, अच्छा, आपके क्योंकि यहाँ पे निशा समाज रहता है, यहाँ पे कुछ SC समाज रहता है, यहाँ पे कुछ प्रिय, यहाँ पे कुछ कुमार समाज रहता है, इसलिए यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। ये हम आने वाले समय में 5 साल हम दिखा देंगे कि आपने मतभेद कैसे किया हमारे साथ। अच्छा ये बताइए, ये बताइए नूतन राठौर भारतीय जनता पार्टी से मेयर बनी जी, और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये जो बागी को ऊपर के लीडर है, उनको ध्यान देना चाहिए कि हमारा जो नेता है वो क्या काम कर रहा है क्षेत्र में। अगर नूतन राठौर के अलावा भारतीय जनता पार्टी किसी और को अगर टिकट यहाँ से दे देती है तो क्या यहाँ की जनता वोट देगी उनको? भारतीय जनता का नारा था सबका साथ सबका विकास, लेकिन यहाँ के नेताओं ने क्या बोल दिया कि हमारा विकास सबका साथ, ये यहाँ का नारा है। क्या यहाँ की टिकट बदल देने से और यहाँ का फिरोजाबाद का विकास हो जाएगा? नहीं होगा। ये तो बदलाव वार्ड नंबर 18 जनता करेगी, चुनाव का बहिष्कार करेगी जब मेयर के कान खुलेंगे। ये मैं कह के जा रहा हूँ, मैं बदलाव की जरूरत है, सभी लोग सहयोग करो, बदलाव करो यहाँ क्षेत्र में। अरे बीजेपी सरकार से संतुष्ट ना ये लोग।